हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो भी हिंदी में। मेरी कहानी का शीर्षक है बोलती गुफा। एक बार की बात है, एक भूखा शेर जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह थक गया, उसकी भूख बढ़ गई। तभी अचानक उसे एक गुफा नजर आई। शेर ने सोचा, लगता है इस गुफा में जरूर कोई ना कोई जानवर रहता होगा। मैं सामने झाड़ियों में छुप जाता हूँ, जैसे ही वह बाहर आएगा मैं उसे धर दबोचूंगा। शेर ने गुफा के बाहर बहुत देर तक इंतजार किया, पर कोई भी जानवर गुफा के बाहर नहीं आया। शेर ने सोचा, लगता है वह जानवर गुफा में ना होकर इसी वक्त कहीं बाहर गया है। मुझे उसका इंतजार गुफा में ही करना चाहिए। जैसे ही वह अंदर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर पैरों के निशान हैं। गीदड़ ने सोचा, यह किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के पैरों के निशान हैं। गीदड़ को एक खतरे का एहसास हुआ। उसने सोचा, अंदर जाने से पहले देखे मामला क्या है। गीदड़ ने गुफा में आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा। पर जवाब कौन देता। गीदड़ ने गुफा में फिर आवाज लगाई, अरे मेरी गुफा, तुझे क्या हो गया है। अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है, आज तुझे क्या हो गया है। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा, यह गुफा गीदड़ का बोलकर स्वागत करती है। अगर मैंने गीदड़ का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा। शेर ने अपनी भारी और तेज आवाज से कहा, आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज सुनकर गीदड़ वहां से भाग गया। इस प्रकार गीदड़ ने अपनी जान सूझबूझ से शेर से बचाई। अतः मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास की चीजों पर नजर रखनी चाहिए। ध्यान रहे, बल से बड़ी बुद्धि होती है। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।